हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशुटॉक्स। गाइस आज की वीडियो टीसीएस कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। अगर आपने टीसीएस के लिए अप्लाई किया हो, भले ही वो टीसीएस एनक्यूटी हो, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग हो, टीसीएस फ्री हायरिंग हो या टीसीएस पेड एनक्यूटी हो, सभी एग्जाम के लिए अगर आपने टीसीएस के लिए अप्लाई किया है गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। क्योंकि टीसीएस ने मेल सेंड करना स्टार्ट कर दिया गाइस, एक डिफरेंट मेल आ रहा है आप सभी को एंड बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। आपके सभी डाउट्स में आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो लॉग इन टू योर नेक्स्ट स्टेप अकाउंट इमीडिएटली, तो कुछ इस तरह का टाइटल आपको एक मेल का देखने मिल जा रहा है। एंड सेकंड आ रहा है गाइस, आप देख सकते हो यू हैव रजिस्टर्ड बट नॉट येट कम्प्लीटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो गाइस दोनों ही डाउट जो है आपके, दोनों जो मेल आपको रिसीव हो रहे हैं उससे रिलेटेड मैं आपको सभी डिटेल्स बताने वाला हूँ। एंड ये मेल कौन से कैंडिडेट्स को आने वाला है, कौन से कैंडिडेट्स को नहीं आने वाला है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है गाइस, सभी चीजें हम ए टू जेड डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक देखने मिल जाती है। भले आप स्मार्ट हायरिंग से हो, 2022 बैच से हो या टीसीएस के लिए आपने अप्लाई किया, सभी के लिए अलग अलग आपको डिफरेंट डिस्कशन ग्रुप देखने मिल जाते हैं टेलीग्राम पे, तो वो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो गाइस सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये जो आपको दो मेल रिसीव हो रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस मेल मींस। सेकंड पॉइंट आता है हाउ टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से कंप्लीट करना है। एंड अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं करते हो तो उसका गाइस उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, उसका डिसएडवांटेज क्या होने वाला है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट पॉइंट आ जाता है दिस इज अ साइन ऑफ इंटरव्यू, तो क्या अगर आपको ये मेल आता है इसका मतलब आपके इंटरव्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं, सभी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके सो बिना किस देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेल दिखा देता हूँ गाइस, कुछ आपको इस तरह का मेल देखने मिल जाता है टीसीएस की तरफ से। ग्रीटिंग फ्रॉम टीसीएस, वी आर रियली हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू विद टीसीएस। इट है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो, लेकिन इट हैज बीन नोटिस दैट यू हैव रजिस्टर्ड बट नॉट येट कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब क्या है गाइस, आप रजिस्टर तो कर चुके हो टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर, रजिस्टर कर चुके हो, लेकिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक के कंप्लीट नहीं हुआ है। प्लीज यूज द बिलो लिंक टू कंप्लीट द सेम। तो सिंपली आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल होने वाला है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं करते हो तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है क्योंकि वहां पर आपकी सभी डिटेल्स होती है, वो सभी चीजें आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ही आपको इंटरव्यू का मेल आने वाला है। तो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से कंप्लीट करना है वो भी मैं आपको आगे की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको डायरेक्ट लिंक दी गई है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल की, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से आप जाकर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपना फिलअप कर सकते हो। ऑल्सो प्लीज फाइंड द अटैच एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टेप 4 ऑनवर्ड इन द अटैचमेंट टू अवॉइड एनी मिस्टेक इन द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे आपको एक अटैचमेंट भी दिया गया है किस तरह से आपको फिलअप करना है। प्लीज सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इन द टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल एंड रिज्यूम योर एप्लीकेशन स्टेटस इज एप्लीकेशन रिव्यू। तो आपका नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो एप्लीकेशन रिसीव जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वो किस तरह से शो होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ऑन और बिफोर 11th नवंबर। ओके 10 AM यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन जितना जल्दी पॉसिबल हो, अगर 11th नवंबर हो चुका है, जैसे कि आज 11th नवंबर है, अगर आपने नहीं भी किया है तो भी आज जितने जल्दी पॉसिबल हो, ये टाइम डेडलाइन जो है वो आपकी मिस भी हो जाती है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितने जल्दी पॉसिबल हो आप कर दो, वो जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके नो नीड टू वरी। इन्विटेशन विल बी सब्जेक्टेड टू मीटिंग टीसीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी चेक विल बी देयर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ओके सो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड तो हो चुके हो, लेकिन आपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए आपको इंटरव्यू का मेल सेंड नहीं किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट करना है, जहां पर आपका स्टेटस होना चाहिए एप्लीकेशन रिसीव। तो ये चीज कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू का मेल सेंड कर दिया जाएगा, इसके लिए डेडलाइन दी गई है। लेकिन अगर आप डेडलाइन मिस भी कर देते हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है ताकि आपको इंटरव्यू का मेल आ जाए। एंड यहाँ पे बोला गया है इन्विटेशन आपको तभी मिलेगा इंटरव्यू का जब आप टीसीएस के लिए एलिजिबल हो, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो ही आपको इंटरव्यू का मेल आने वाला है। सो गाइस इस तरह का आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है टीसीएस की तरफ से। नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का मेल देखने मिल जाता है लॉग इन टू योर नेक्स्ट स्टेप अकाउंट इमीडिएटली। तो गाइस ये क्या है मेल, इसमें क्या मेंशन किया गया है, इससे बेनिफिट क्या होने वाले, सभी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देता हूँ जो कि आ जाती है रिलेवल की तरफ से।
री लेवल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक इनिशिएटिव है अन अकेडमी की तरफ से। अन अकेडमी के बारे में आप सभी ने ऑलरेडी सुना है, री लेवल के बारे में भी आपने ऑलरेडी सुना ही होगा अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो। री लेवल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जॉब मिल सकती है। ओके, यहाँ पर टोटली फ्री में आपको जॉब मिलने वाली है, बस आपकी स्किल्स मैटर करती है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको री लेवल की तरफ से जॉब मिल जाएंगी। सिंपली आपको एक टेस्ट देना होगा, टेस्ट में अच्छा स्कोर करना होगा एंड उसके बेसिस पे कंपनीज आपको हायर कर लेंगी। तो पूरी डिटेल्स गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी डिग्री कोर्स से बिलोंग करते हो, अगर आपने कोई भी कोर्स किया है, बीसीए किया है, बीएससी किया है, बीबीटेक किया है, कोई भी कोर्स किया हो, कोई भी आपकी पास आउट बैच हो, कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। मैटर करती है आपके स्किल्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो तो भी कुछ मैटर नहीं करेगा। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपका स्किल सेट मैटर, स्किल सेट आता है आपको, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो एंड अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो विद हाई सैलरी पैकेज। नॉन टेक जॉब की बात कर ली जाएगा इस, तो मिनिमम सैलरी पैकेज 4 LPA से स्टार्टिंग है एंड टेक जॉब की बात कर ली जाए तो 6 LPA से स्टार्टिंग है। एंड लिमिट की बात कर ले तो यहाँ पे कोई लिमिट है ही नहीं। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सैलरी पैकेज देखने मिल जाता है, अप टू 42-45 LPA तक के भी देखने मिल जाता है। रिसेंटली एक कैंडिडेट है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, क्रेड में इनका सिलेक्शन हुआ था, तनिष का, जिन्हें 42 LPA का पैकेज लगा है क्रेड कंपनी में। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, आपको भी इतना ज्यादा पैकेज मिल सकता है अगर आपके पास स्किल सेट है। डेफिनेटली आप री लेवल की टेस्ट को एक चांस दीजिए, अप्लाई करके देखिए ताकि आपको पता चल जाए किस तरह से टेस्ट कंडक्ट की जाती है, किस तरह से आप हाई सैलरी पैकेज वाली कंपनीज में प्लेस्ड हो सकते हो। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी देखने मिल जाते हैं अगर आप लीडर बोर्ड पर रैंक करते हो तो। मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉचेस, इस तरह से मल्टीपल चीजें जीतने की मौका मिल जाता है आप सभी को। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डेफिनेटली आप इसकी लिंक चेकआउट कीजिए एंड री लेवल के टेस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। अब चलिए आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो टीसीएस की प्लेलिस्ट है जहां पर आप टीसीएस के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। डेफिनेटली ये वीडियो चेकआउट कीजिए, ये प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो मेल आता है आपको लॉग इन टू योर नेक्स्ट स्टेप अकाउंट इमीडिएटली। तो यहाँ पे क्या करना होता है गाइज, डियर कैंडिडेट थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन टीसीएस स्मार्ट हायरिंग। इसका मतलब क्या है गाइज, आपने टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के लिए अप्लाई किया था, उसके लिए टीसीएस आपको थैंक्स कर रही है। एज पर अवर लेटेस्ट रिकॉर्ड योर स्टेटस इज नेक्स्ट इन नेक्स्ट पोर्टल इज रजिस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोला गया कि आपका जो स्टेटस है वो नेक्स्ट पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। इन ऑर्डर टू कंसिडर द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर योर स्टेटस शुड बी अप्लीकेशन रिसीव। ओके, सो आपका जो स्टेटस है वो अप्लीकेशन रिसीव्ड जो है वो शो होना चाहिए। आपका सिर्फ रजिस्टर्ड स्टेटस शो हो रहा है, अप्लीकेशन रिसीव स्टेटस भी शो होना चाहिए। ओके, अगर आप अप्लीकेशन रिसीव शो नहीं होता है यहाँ पर तो आपको एग्जाम की लिंक नहीं आने वाली है। प्लीज लॉग इन टू नेक्स्ट स्टेप अकाउंट इमीडिएटली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। प्लीज इंश्योर दैट यू कैन व्यू योर एप्लीकेशन स्टेटस एज रिसीव। ओके, यहाँ पे आपको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल की लिंक दी गई है और अगर आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होता है या तो एप्लीकेशन रिसीव स्टेटस शो नहीं होता है तो आपको जो है वो इंटरव्यू का मेल या तो आपको एग्जाम का मेल नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये कंप्लीट कैसे करना है। तो दोनों ही मेल का सोल्यूशन ये है गाइस, आपको जाना है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर। तो यहाँ पे आपको टीसीएफ नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का लिंक दिया गया है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। आपके सामने आ जाता है लॉगिन ऑप्शन, सिंपली आपको लॉगिन कर देना है, आपकी जो लॉगिन आईडी है वो ऐड कर देना है। जैसे आप लॉगिन कर देते हो आपके सामने कुछ इस तरह का वेब पेज अपियर हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आप जैसे देख सकते हो ट्रैक में एप्लीकेशन पर, यहाँ पर आप ट्रैक में एप्लीकेशन देखते हो गाइस। तो यहाँ पे आपको देखना, जैसे ही आप ट्रैक में एप्लीकेशन पर जाते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन भी शो होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन रिसीव भी होना चाहिए एंड अप्लाई फॉर ड्राइव भी होना चाहिए, तभी आपको एग्जाम का मेल आने वाला है एंड आगे गाइज आपको इंटरव्यू का मेल आने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, ये मेल में क्लियरली मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है नेक्स्ट पोर्टल इज रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर आपका स्टेटस जो है वो एप्लीकेशन रिसीव्ड शो होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट का एप्लीकेशन रिसीव्ड शो हो रहा है। आपने रजिस्टर तो कर चुके हो लेकिन आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड होना चाहिए एंड अप्लाई फॉर ड्राइव भी होना चाहिए। तो गाइज ये चीज मेंशन की गई है। अब फर्स्ट मेल की बात कर ली जाए तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो यू हैव रजिस्टर्ड बट नॉट येट कम्प्लीटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म इन टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जाकर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, अदर डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों, यहाँ पे आपको चारों जो सेक्शन दिखने मिल जाता है यहाँ पे आपको ग्रीन टिक दिखना चाहिए।
इस ये ग्रीन टिक चारों आपको दिखते हैं तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता है। अगर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको इंटरव्यू का मेल नहीं आएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड भी हो चुके हो तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे जो है वो इंटरव्यू का मेल नहीं आने वाला है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर देना चाहिए। आप जैसे ही कंप्लीट करते हो आपको यहाँ पे ग्रीन टिक देखने मिल जाएंगे। ओके सो गाइस, ये चीज ध्यान में रखिए, जिसको भी ये मेल रिसीव हुआ है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है वो चेकआउट कीजिए कि उनके सभी यहाँ पे सेक्शन में ग्रीन टिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ग्रीन टिक कैसे शो होने वाला है, यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स मांगी गई है, पर्सनल डिटेल्स, टेस्ट लोकेशन, एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, सभी आपको यहाँ पे डिटेल्स मांगी जाती है वो होनी चाहिए। अदर डिटेल्स में आपको अपना रिज्यूमे, फोटो, सीवी, ये सभी चीजें जो भी अपलोड करनी है सभी चीजें आपको अपलोड करनी है। ओके ये सभी चीजें आप अपलोड कर देते हो, एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन कर देते हो तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता है। तो गाइज मेल में यही मेंशन किया है गाइज कि आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन रिसीव स्टेटस शो होना चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जाके जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो गाइज मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से कंप्लीट करना है, किस तरह से आपको चेक करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो ये चीज भी आप जाकर देख सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चीजें बता दी है अब कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कंप्लीट करना है। एंड मेल का मतलब यही था गाइस कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, वहां पर जो भी आपको स्टेटस शो हो रहा था ट्रैक में एप्लीकेशन पे वो शो होना चाहिए ताकि आपको एग्जाम का मेल आ जाए। जिसको भी एग्जाम का मेल नहीं आया है एंड जो जिनका एग्जाम हो चुका है, जिनका जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर देना है ताकि उन्हें इंटरव्यू जो है उनका शेड्यूल हो जाए। ओके और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर देते हो तो गुड चांसेस है, हाई चांसेस है कि आपको जल्दी से जल्दी इंटरव्यू का मेल आ जाए, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए। आई होप गाइस आपको सभी चीजें समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।